Inna fi zalika al maut. If your debt is written in the depth of the sea, then you will rent the submarine to reach there. ऐसे ही हुआ है ओशन गेट सबमरीन के साथ। 1912 में टाइटैनिक जो डूब गई थी उसका मलबा हमें मिला था, तो वही देखने के वास्ते ओशन गेट कंपनी ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करी थी जिसमें 5 लोग जा रहे थे जो कि बिलियनेयर थे। ये सफ़र की टिकट 2 करोड़ रुपए थी। 18 जून सुबह 8 बजे ब्रिटिश बिजनेसमैन हामिश हर्डिंग और पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी नार्गेलेट और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस निकल गए थे वो सफ़र पर उन्हें क्या अंदाज़ा था कि उनकी मौत उधर ही है, उनका इंतज़ार कर रही। वो लोग 12,500 फीट नीचे जाने वाले थे। 2 घंटे का ये सफ़र था, पर जैसे ही 1 घंटा 45 मिनट्स बीत गए वो लोग से कनेक्शन टूट गया। अगर 7 घंटे बाद भी उनका पता ना चला तो सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया। फिर 22 जून को खबर आई कि वो लोग अब नहीं रहे, और इसका ये रीज़न था कि जब सबमरीन पानी के अंदर जाती है तो उसके ऊपर हाई लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसी कारण से ये एक्सप्लोजन हुआ है। वो लोग 0.3 सेकेंड में ही मर गए और उन्हें पता भी ना चला।